राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के कितने बजे से 8 बजे से कर रही हूँ। और गाइज अभी ना मेरे ब्रेक और गाइज अभी मैं ना ब्रेकफास्ट बना के आई। और गाइज ये अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, बात मत करो उससे, पकड़ो के बैठो। कहाँ जा रहे हो आप? पानी कुएं से दो भरना, कुएं से नलके से बेचारों को कुएं से पानी भरना पड़ता है। बुढ़िया अभी ना बिल आ रहे हैं, पानी का बिल आ रहा है। हाँ। अभी तो ठीक हो गए ये, आप अभी आई देखिए ऊपर भी ये नहीं, ये तो नहीं तो किया था ना, हो रही है ये तो ही है पिछली ना जो दवाई दूरी कर फिर आप किसी नहीं करते हो। वहाँ पर क्या हुआ? भूकंप आया था रात को कि पहले और गाइस आज का मौसम मेघ और ज्योति ना गॉड के लिए पानी भरने जा रहे हैं और मैं ना खाना बनाते बनाते आई। बहन जी ने बोला ना कि चलो पहले ना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद बनाओ खाना। अभी मेरा तवा भी गैस के ऊपर ही है और आप लेके मैं भी ना खाना खाने जाऊंगी। हमारा ना जो पनीर था रात का बचा हुआ ना वही खाएंगे हम। और मैंने लिपस्टिक लगाई है आज और मैं ना दाल के परांठे बना रही हूँ। जो कल की दाल बची थी चने माँ की ना उसके परांठे बना रही हूँ। बहन जी मेरी लिपस्टिक की अमीना अच्छी नहीं लग रही। बहन जी लगा के आओ, ऐसे बोला बीमार हो तो आप। बहन जी आप बीमार हो मत लगाओ, परांठे दिखाती हैं चलो। अब तू किस चीज़ के परांठे? दाल के। क्या सोनी ये रहे। और ये कितना बड़ा है? एक दो क्या ले जाओ आप, चाय के साथ अच्छे लगते हैं। जब मैं आऊँगी ना दोबारा वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ पे आऊँगी तब खा लूँगी आपके साथ। नहीं लेके जाओ आप, आज मैंने सोचा मैं दही के साथ खाऊँगी। मैंने चाय से ऊब गई हूँ, पकड़ो खाओ आप खाना। ठीक है आप बनाओ खाना। और नहीं ये देखने में टेस्टी लग रहे हैं, मैं कहीं अपनी चूड़ियाँ तो नहीं दिखा रही हूँ बार बार। तेरे कितना रेड हो गया, क्योंकि अब ये ना ये जख्म जो है ये सूखने लग पड़ा। जख्म नहीं है जो स्वेलिंग हुई वो अगर सूखने लग पड़ती है ना तो फिर ये ना ब्लू हो जाता है। अच्छा। इसलिए हुआ ये। और बनाओ आप। तो YouTube फैमिली ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया और फ्री हो गई मैं सभी काम से। और अभी बहन जी से पूछती हूँ ना मैं कि आज कौन सा वाला सूट कट करना है। वैसे धागे भी नहीं है, चाचू जी से मंगवाए हैं वो पता नहीं दोपहर को आएंगे चाचू जी तब लेकर आएंगे। बहन जी कौन सा वाला सूट कट करना है? मेरा तो है ये पर्पल वाला, आप देख लो ग्रीन वाला कट कर दो। बहन जी क्या कर रहे हो, बार बार क्यों उखाड़ रहे हो उसको? बार बार क्या उखाड़ रही हूँ, अभी तो उखाना ये वाला एक सूट ग्रीन वाला सूट है एक भी किसी का तो मैं सोच इस वाले को कर देती हूँ मैं कट। हाँ वैसे तो तुरपाई रही है ना मेरे पास करने के लिए, तुरपाई कर लूँगी उसके बाद करूँगी इसको कट। धूप में बैठना आज आपने नहीं बैठा फिर ना सुस्ती पड़ जाती है अगर धूप में बैठती है। पड़ती है मुझे तो नहीं पड़ती, मुझे पड़ जाती है, मुझे नींद आती है फिर। चलो तो करो स्टिचिंग। और गाइस नहीं मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा छन छन कैसे लग रही है? और अच्छी लग रही है गाइस। बोले कि कल बोला था हमने कि 3 चूड़ियाँ नहीं पहनी, अभी भी 3 ही पहनी, पर मैं जाके पहनूंगी। कर लो 300। हाँ तो गाइस दवाई लगाना तो मैं भूल गई थी और स्टिचिंग करने बैठ गई। पहले दवाई ज़रूरी है और अभी ना रेडनेस थोड़ी सी कम हुई है, शायद मैंने सुबह भी बताया था आपको। और ना आज मैं दवाई नहीं खाऊंगी, वैसे एक गोली बची है दवाई की पर मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी ना थोड़ा फ़र्क लग पड़ा पड़ने और दवाई भी कितनी देर खानी और लगानी तो पड़ेगी मुझे। और ना जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी लगाने के लिए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, पर कल ना मम्मी जी ने मुझे एक दवाई दी लगाने के लिए ना उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। खारिश नहीं हो रही और पेन भी थोड़ा सा कम है, पेन तो शायद दवाई से हुआ होगा कम जो मैंने खाई थी उससे। फ़ोन टिका देती हूँ मैं पहले। ये वाली दवाई है, ये ना एलर्जी की दवाई है
पता नहीं आपको दिख रही होगी रेडनेस, ये नहीं बहन जी दिखाएंगे मुझे, मेरे से नहीं दिखाई जा रही। और ये सारा ब्लू ब्लू हो गया, क्योंकि जब भी ना जख्म जख्मी स्वेलिंग सूखने लगती है तो ये नीला पड़ जाता है। बहन जी मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए। बहन जी मैंने आपको एक काम दिया है, चलो करो पहले पेपर जाके। गाइस को बता रहे है वो काम बहन जी का कांड नहीं बता सकते। नहीं, नहीं। कांड किसी ने करवाया? आपने करवाया वो? बहन जी तो मैंने हाथ पकड़ के करवाया। हाँ। ऐसे मत बोलो, मेरा माइंड वॉश कर दिया था उस टाइम। मैं नहीं करती माइंड वॉश, और अब ठीक कौन करेगा उसे? आप। हाँ चलो, तो मैं तो चप्पल लेके नहीं आई थी, आप आए थे ना। करते हैं अब अपना काम। तो YouTube फैमिली मेरा दोपहर का खाना बन गया, और आज खाने में राजमा चावल बने। मैं दिखाती हूँ आपको, ये रही मेरे राजमा, और क्या कर दी बंद, और ये चावल, चावल क्या दिखाने, और ना और आज बहन जी वालों ने भी राजमा बनाए हैं। अगर मुझे पता होता बहन जी ने राजमा बनाने हैं तो फिर मैं नहीं बनाती राजमा, फिर मैंने दो चार दिन के बाद बनाने थे। पहले बहन जी के यहाँ खाती, फिर उसके बाद अपने घर में, फिर बहन जी हमारे यहाँ खा लेते, फिर उन्होंने बताया नहीं मुझे। और मैं दिखाती हूँ बहन जी क्या कर रहे हैं। बहन जी बन गए आपके राजमा? बन गए? हाँ। अगर आपने बताए होते तो मैं नहीं बनाती फिर राजमा। क्यों आपने नहीं बताया? हमने भी राजमा ही बनाए, इसलिए बोल रही हूँ। तो मैं कुछ नहीं होता है कुछ क्या, फिर दो जगह एक ही चीज। मैं तो बना के आ गई, और हंस क्यों रहे हो? ऐसे ही हंसी आ गई मुझे। और बहन जी आपने ज़्यादा ही नहीं बना दिए राजमा, दो दिन खाओगे? कितने जने हैं हम खाने वाले? पाँच। चलो ठीक है। ओ मत 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 मत, आज क्या कर रहे हो इस पे? एक ही बार बना रही हूँ, पकौड़ा कड़ी बनाऊंगी मैं ना। ओके। तो गाइस अभी मैंने बहन जी को बोला ना कि मैं ना कड़ी पकौड़ा बनाऊंगी, तो बहन जी ने बोला ना कि ना पकौड़े मैं बनाऊंगी, और यहाँ पर बहन जी बना रहे हैं पकौड़े, क्योंकि ना लालची बहन जी का मन किया कि वो पकौड़े भी खाएंगे। बहन जी आपने भी बोला था मैं खाऊंगी, सलाह किसने दी? बहन जी झूठ मत बोल। बहन जी ने मुझे बोला ना कि हम पकौड़े और सॉस खाएंगे साथ में। हाँ, वैसे मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन खा लूंगी थोड़ा सा आपके साथ। तो फिर लालची तो आप ही हुए, आप ज्यादा लालची बहन जी। कोई बात नहीं, खा सकते, वैसे भी हम ठीक हो चुके हैं। और यहाँ खाना मैंने छाछ में ना बेसन घोल कर रख दिया, और अभी ना कड़ी को तड़का लगाऊंगी, और चावल भी बनने वाले हैं, राजमा तो बन के तैयार होंगे। फिर बहन जी आप भी लोगे पकौड़ा कड़ी? हाँ जी। और ना हमें आदत है, हम कड़ी में ना थोड़ी सी चीनी डालते हैं, ज़्यादा मीठी नहीं करनी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्की सी मिठास आती है, और कड़ी में वैसे वाली कड़ी ना मुझे बहुत पसंद है, तो बना लेते हैं जल्दी से। तो गाइस खाना बनकर तैयार हो गया ना, कड़ी भी बन गई, अब इसको ना थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूंगी, उसके बाद पकोड़े डालूंगी। ये वाली सॉस है। और बहन जी बोल रही हैं कि सॉस के साथ पकोड़े खाने हैं। बहन जी मेरी तो अभी से गले में दर्द लग पड़ी। कुछ नहीं होता, आ जाओ बाहर धूप में बैठ के खाते हैं। तो खड़े होके खाने भैया तो नीचे नहीं, खड़े होके खा लेते, तो टेस्ट करके बताऊंगा। हाँ बहन जी, मम्मी जी मासी जी और पापा देखेंगे ना, तो वो बोलेंगे आपकी आप बहुत लालची हो। तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो फिर? तो उनको भी पता लगना चाहिए आपके कांड। हाँ
सुबह इतने खांस रहे थे आप और खाओ जैसे मेरे गले में दर्द लेकिन कोई बात नहीं खाओ मैं हूँ बस बहन फिर खाया आपने तो बाद में नहीं खाओगे ना पक्का तो YouTube फैमिली अभी टाइम पौने 6 हो गए ना और मैं ना स्टिचिंग कर रही थी वो ग्रीन वाला सूट जो कट किया था सुबह ना उसकी कुर्ती कर दी स्टिच और मम्मी जी के ना सलवार के पोंछे बचे थे वो भी हो गए और अभी ना मैंने बहन जी को बोला ना कि ये वाला कद्दू कब से पड़ा है आज ये वाला कद्दू बनाएंगे मेरे पास दो आप लेकर आओ बाहर आज ना ये वाला कद्दू बनाएंगे तुम मैं कटती हूँ तो मम्मी जी ने बोला था ना कि आधा 3 हिस्से करने हैं इसके आधा बहन जी को देना है आधा हमने रखना है और आधा बच जाएगा वो अगली बार बनाएंगे काटो तो मैं तो कटा नहीं आया तो मेरे तो काट लेते इतना बड़ा कद्दू कैसे काटोगे काट लो हाथ से आप अपने जीव से है नहीं फर्क अब फर्क है इसमें पता नहीं दिख रहा होगा ये मैं स्टिचिंग करूँगी मुझे ना आज ना आटा भी गूंथने के लिए ना और सब्जी भी काटनी है तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी जल्दी लग पड़ती हूँ खाना बनाने इसे जल्दी नहीं बोलती 6 बजे अंधेर हो जाता है 6 बजे तो लगे आप बनाने आपकी तो बन गई सब दाग लगना है नीचे मत करेंगे आपकी तो सब्जी बन गई अभी नहीं बनी है आज पे काफ़ी है इतना आपके लिए उठाओ उसको लेकर जाओ पहले वैसे इससे भी छोटा बिंदी ना कोई नहीं हमारा कद्दू गाइज आप ना कमेंट करके बताना आपको कद्दू चाहिए ना तो प्लीज हमसे ना कॉन्टेक्ट करना बहन जी ये भी आपको हो जाएगा और बहन जी ये भी आपको लोगों ने दिए है हमारा नहीं है ये नहीं है आपका किसने दिए ये हमारे जो गार्डन में लग रहे थे वो सड़ जा रहे थे तो ये किसने दे दिया ये लोगों ने दिए है मैंने सोचा हमारा तो आप फिर मांगना मत कमेंट बहन जी अंदर जाओ एक प्लेट लेकर आओ भाग के जाना और भाग के आना बहन जी हाँ जी बहन आई नहीं थी मैं कमर लगा रही एक बार में कोई बात सुनाई नहीं देती है जैसे आपको और ये बहुत डिफिकल्ट है डराटी से कट सकता था ये लेकिन डराटी से मुझसे काटा नहीं जाएगा उससे तो मेरा हाथ कटेगा इसलिए चाकू से काट देती हूँ इसमें ना आमचूर डालना आमचूर डालना आमचूर से देखते बहुत अच्छा बस इतना काफ़ी है आमचूर काफ़ी है आपने नीचे रख दिया वो देखो दाग नहीं जा हटो ये तो हमते थोड़ी बढ़ना कुछ नहीं मम्मी इतना दाद दाग पूछ लो पहले वाला भी ऐसे सड़ रहा है आपकी बन गई सब्जी ना